हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिप्टो ट्यूटोरियल। आज हम लोग अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले सब टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक बार मैं आपको लास्ट लेक्चर का रिकॉल करा दूं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले चीज हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस वगैरह, कुछ टर्म्स वगैरह, और हम लोगों ने एक इक्वेशन लाया था, क्या एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या था, इक्वेशन था जो हम लोगों ने डिराइव किया था, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें एच न्यू क्या था, इंसिडेंट एनर्जी, एच न्यू क्या था, इंसिडेंट एनर्जी या फिर सब्जेक्टेड एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी या फिर सब्जेक्टेड एनर्जी। एच न्यू नॉट क्या था, एच न्यू नॉट जो था हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या था, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन। और हाफ एम वी स्क्वायर क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर अपने पास था काइनेटिक एनर्जी या फिर एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर लग रही थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये हम लोगों ने कैसे समझा था कि अगर कोई मेटल प्लेट होगा, अगर कोई मेटल प्लेट होगा उस पर फोटोन गिर रहा है, तो अगर उस फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, उस फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू है, तो वो एनर्जी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। पहला, मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में, मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा होगा वो, उसको हम लोगों ने क्या टर्म दिया था, एच न्यू नॉट। और दूसरा, उस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी देने में, उस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी देने में, और वो इलेक्ट्रॉन में जब वेलोसिटी आ जाएगी तो फिर क्या होता था, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था फोटो करंट, हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था, क्या फोटो करंट, क्या पढ़ा था फोटो करंट। फोटो करंट में मैंने आपको बोला था क्या, चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब बेसिकली क्या, क्यू बाई पी। क्यू क्या था, क्यू था अपने पास चार्ज, चार्ज कितना निकल रहा था, चार्ज कितना फ्लो हो रहा था, तो जितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा होगा, जितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा होगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम। ये अपने पास क्या था, फोटो करंट। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, कि जब इलेक्ट्रॉन अपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर जा रहा होगा, जब इलेक्ट्रॉन अपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर जा रहा होगा तो उसको स्टॉप करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वहां पे हमने देखा था क्या, एनर्जी इज इक्वल टू क्या हमने लिख दिया था, Q into V जो होता है वो क्या होता था, एनर्जी होता था, तो Q अपने पास इलेक्ट्रॉन और V वोल्टेज की जगह पर हमने क्या लिख दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लगा दिया आपने, हाफ एम वी स्क्वायर। इतना हम लोगों ने पढ़ा था, ये तीन फॉर्मूला वगैरह पढ़ा था हम लोगों ने। तो अब आते हैं फिर एफिशिएंसी वगैरह के बारे में पढ़ा था, कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी तो सपोज करो आपने 100 फोटोन सब्जेक्ट कराया मेटल प्लेट पे और इलेक्ट्रॉन निकला मात्र 75, तो एफिशिएंसी उसकी कितनी हो गई, 75 इलेक्ट्रॉन निकला, तो 75 डिवाइड बाय इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटोन कितना था, 100 into 100, तो 75% उसकी एफिशिएंसी होगी। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोला गया है तो आपको एफिशिएंसी कितनी लेनी है, 100%, आपको एफिशिएंसी कितनी लेनी है, 100%। तो इतना हम लोगों ने देख लिया था। तो अब आते हैं हम लोग क्या, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन करते हैं अपन, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय अ सोडियम एटम, एमिटेड बाय अ सोडियम एटम व्हेन light of lambda 400 nm strikes on it
वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम एटम, द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम एटम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कितना? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल. कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है अपने को. अपने पास क्या क्या डाटा गिवन है पहले उसको गेस करते हैं अपन. एक अपने पास इंसिडेंट लाइट का लैम्डा गिवन है. इंसिडेंट लाइट का अपने पास लैम्डा गिवन है. ये गिवन है क्या? तो लैम्डा अगर गिवन है तो हम क्या करते हैं, अपने को इक्वेशन क्या पता है, अपने को इक्वेशन ये पता है क्या, h nu naught प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. उसने वर्क फंक्शन दे दिया है क्या? वर्क फंक्शन गिवन है. इसका मतलब बेसिकली क्या गिवन है, h nu naught गिवन है क्या? यहां पर उसने क्या दे दिया है, वर्क फंक्शन. क्या गिवन है अपने पास? वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन अगर गिवन है तो बेसिकली उसने क्या दे दिया है अपने पास, फाइव दे दिया. क्या दे दिया है? फाइव. फाइव की वैल्यू कितनी दी है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना दिया है क्या? तो अपने पास वर्क फंक्शन गिवन है, ठीक है. इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट फोटोन का लैम्डा गिवन है. तो हम क्या करते हैं, एक बार यहां से ये काइनेटिक एनर्जी है क्या, इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, ये काइनेटिक एनर्जी था अपने पास. ये क्या था? काइनेटिक एनर्जी. तो हम लोगों ने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोगों ने यहां से क्या लिख दिया, काइनेटिक. हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकालना क्यों प्रीफर करा, क्योंकि अपने को पता है, अपन ने ये क्या पढ़ा था, E into Vs बराबर काइनेटिक एनर्जी. E into Vs बराबर काइनेटिक एनर्जी, अगर याद हो आपको. तो बेसिकली पहले अपन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर वहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालेंगे. तो हम यहां पर से निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, h nu minus h nu naught अपने को निकालना है. अच्छा, क्या h nu naught की वैल्यू अपने को पता है क्या? h nu naught की वैल्यू अपने को पता है. कितना? यहां पर से अपने लिख दिया h nu naught 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. कितना है? h nu naught 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कितना? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अब अपने को क्या निकालना है, h nu निकालना है. क्या निकालना है? h nu निकालना है. तो h nu के लिए उसने क्या देकर के रखा है, लैम्डा देकर के रखा है क्या? h nu के लिए उसने क्या देकर के रखा है, लैम्डा देकर के रखा है. तो हमने लिख दिया यहां पर सीधे क्या, अपने को पता है लैम्डा. अच्छा, यहां पर एक चीज देखते हैं, लैम्डा किस में दिया हुआ है, n में दिया हुआ है क्या? लैम्डा कितना गिवन है, 400 nm लैम्डा गिवन है क्या? ठीक है. तो हम क्या करते हैं, सीधा लगा देते हैं. अगर लैम्डा nm में गिवन होगा तो अपन ने पढ़ा था क्या, एनर्जी बराबर 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनएम डिवाइड बाय लैम्डा इन एनएम. तो यहां से अपन ने क्या कर दिया, पुट कर दिया, एनएम एनएम कैंसिल हो गया. तो अपने पास कितना आया, ये कैंसिल, 124 डिवाइड बाय कितना आ गया, 40. तो ये कितना है अपने पास, ये हो गया अपने पास कितना, 3.1. ये कितना हो जाएगा, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. तो हमने यहां पर से क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस h nu naught कितना था, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी कितना गया, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी अगर 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया है तो, और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, क्या काइनेटिक एनर्जी E into Vs के इक्वल होता था, क्या काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता था,
इंटू वी एस, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, ई इंटू वी एस इज इक्वल टू 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है क्या, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वी एस बराबर क्या लिख देंगे अपन, वी एस बराबर 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन, तो क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया तो कितना आंसर आ गया 0.8 वोल्ट। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या अपन ने कैसे किया? क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन में ये गिवन था क्या कि अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी निकालना है और क्या निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। उसके लिए उसने क्या बोला था कि इंसिडेंट फोटोन का लैम्डा गिवन है, इंसिडेंट फोटोन का क्या गिवन है लैम्डा गिवन है, तो हमने इंसिडेंट फोटोन का लैम्डा देख लिया कितना था 400 nm। अब लैम्डा अगर nm में गिवन है, लैम्डा अगर किस में गिवन है nm में गिवन है, तो हम उसका क्या करेंगे एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी कैसे निकालेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में क्या, अगर लैम्डा nm में गिवन होगा तो एनर्जी बराबर कितना होता है 1240 बाय लैम्डा, तो यहां से और आंसर किसमें आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आंसर कितना गया अपने पास 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो पहला पार्ट काइनेटिक एनर्जी आ गया क्या। अब दूसरा चीज देखते हैं क्या अपने को स्टॉपिंग पोटेंशियल में निकाला था, तो हमने पढ़ा था क्या E into Vs बराबर काइनेटिक एनर्जी, तो E into Vs बराबर हमने कितना लिख दिया 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आ गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या था, काइनेटिक एनर्जी था अपने पास कितना एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू कितना निकाला था हमने 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एच न्यू नॉट कितना निकाला 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अपने पास आंसर कितना आ गया 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आ गया 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आ गया था। अब E into Vs बराबर कितना आ गया था 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो Vs बराबर कितना हो गया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो Vs बराबर कितना आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने पास 0.8 वोल्ट, कितना आ गया 0.8 वोल्ट। तो ये हो गया क्या एक क्वेश्चन। अब एक टर्म और आता है क्या इंटेंसिटी, कौन सा टर्म आता है इंटेंसिटी, तो हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ नेक्स्ट टर्म की तरफ, तो हम यहां पे देखते हैं नेक्स्ट टर्म अपना इंटेंसिटी, तो हमने यहां पे नेक्स्ट टर्म अपने पास सेवंथ कौन सा था इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है क्या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्या होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो हमने लिख दिया द सब्जेक्टेड एनर्जी, द सब्जेक्टेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी, इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटेंसिटी। एक और टर्म इसी के साथ लगे हाथ हम लिख लेते हैं क्या रिलेटेड है दोनों, फोटोन इंटेंसिटी, क्या ये फोटोन इंटेंसिटी, फोटोन इंटेंसिटी, तो इसको हम लिखते थे नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटोन, नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटोन, फोटोन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फोटोन इंटेंसिटी, इज कॉल्ड एज फोटोन इंटेंसिटी, इज कॉल्ड एज फोटोन इंटेंसिटी। ये क्या है इंटेंसिटी वाला टर्म, इंटेंसिटी हम लोग जानते हैं क्या इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो हम लोगों ने यहां से लिख दिया क्या इंटेंसिटी इज इक्वल टू, और यही अगर फोटोन के टर्म में हो गया तो क्या हो गया फोटोन, फोटोन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम,
एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा एनर्जी क्या होता है, एनर्जी बराबर हम लोगों ने पढ़ा है एच न्यू, और नंबर ऑफ फोटोन अगर मान लिया जाए एन निकल रहे हैं तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन एच न्यू पर यूनिट एरिया को हमने एरिया को ए लिख दिया और टाइम को क्या लिख दिया टी लिख दिया। यहां पर एन क्या है, एन यहां पर क्या है, एन है नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटोन, नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटोन, एन क्या है नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटोन, एन है नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटोन, एन यहां पे पुट कर देंगे हम, एच पुट कर देंगे। अच्छा यहां से एक चीज अपने को पता चल रहा है क्या, कि एनर्जी जो है इंटेंसिटी जो है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन है क्या, इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है फोटोन, मतलब सॉरी इंटेंसिटी जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर से हमने क्या लिख दिया था, हमने यहां पे n नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटोन हो गया, a क्या था क्रॉस सेक्शन एरिया, तो a हमने लिख लिया क्या क्रॉस सेक्शन एरिया, a क्या है अपने पास क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अभी यहां से हमको एक चीज पता चल रहा है क्या, अभी यहां से अपने को एक चीज पता चल रहा है कि अपने पास जो एनर्जी है वो क्या है एनएच न्यू, और एरिया हमने ए लिख लिया और टाइम को हमने क्या लिख दिया टी लिख दिया है। तो अब हम यहां पर देखते हैं क्या, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया था ठीक है, यहां से अपने को एक चीज पता चल रहा है क्या, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो उस तरह के इंटेंसिटी को हम क्या बोलेंगे फोटोन इंटेंसिटी, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अगर इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो इंटेंसिटी क्या कहलाएगा फोटोन इंटेंसिटी, देन इंटेंसिटी is also called as photon intensity, photon intensity ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर रहे हैं कॉन्स्टेंट मान ले रहे हैं, यहां पे हम क्या कॉन्स्टेंट मान रहे हैं न्यू कॉन्स्टेंट मान ले रहे हैं, अभी न्यू कॉन्स्टेंट मान ले रहे हैं ठीक है। तो ये हो गया, तो अब यहां पर कुछ कुछ थियोरिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं पहले इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखेंगे और वहां से थियोरिटिकल क्वेश्चन अराइज हो सकता है ना वो देखेंगे। सब्जेक्टेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है इंटेंसिटी कहलाता है, और यही अगर फोटोन के टर्म्स में हो जाए तो क्या हो जाएगा फोटोन इंटेंसिटी। तो हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख दिया इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी एन एच न्यू, यहाँ पे एन क्या था नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटोन, मतलब हम यहाँ पे इफिशियंसी 100% लेकर के चल रहे हैं, और ये क्या हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर न्यू कांस्टेंट हो तो क्या आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा, तो उस इंटेंसिटी को क्या हम लोग बोलेंगे फोटोन इंटेंसिटी। अब इसके ऊपर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पहले और फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो यहां पे हम लोग हेडिंग डालेंगे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या, एज द नंबर ऑफ फोटोन हमने यहां लिखा
नंबर ऑफ फोटोन रिमेन कॉन्स्टेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट या फिर रिमेन्स सेम एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज एंड फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में मैंने नहीं लिख दिया इंक्रीजेज इंक्रीजेज एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज देन नो चेंज इन देन नो चेंज इन नो चेंज इन फोटो करेंट नो चेंज इन फोटो करेंट फोटो करेंट बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज ये क्या बोल दिया है मैंने ऐसा बोला क्या कि अगर नंबर ऑफ फोटोन सेम रहेगा और फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ाएंगे तो फोटो करेंट क्या रहेगा फोटो करेंट क्या रहेगा सेम रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा वो बढ़ जाएगा ऐसा कैसे तो हम एक बार जो है ना सबसे पहले फोटो करंट के फॉर्मूला पे जाते हैं क्या फोटो करंट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था क्या I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और चार्ज क्या होता था एन इजेक्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाय टाइम तो अगर हम क्या देख रहे हैं एज द नंबर ऑफ फोटोन रिमेन्स सेम नंबर ऑफ फोटोन सेम है नंबर ऑफ फोटोन क्या है सेम है तो अगर नंबर ऑफ फोटोन सेम है सिर्फ उसका क्या इंक्रीज कर दिया फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया मतलब क्या कि पहले एक सेकंड में 5 फोटोन आ रहे थे अभी एक सेकंड में कितने फोटोन आ रहे हैं 10 फोटोन आ रहे हैं लेकिन एनर्जी सबकी उतनी ही है तो टोटल एनर्जी उसकी सबकी क्या है उतनी ही है तो अभी हमने क्या देखा कि एज द नंबर ऑफ फोटोन रिमेन्स एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे सेम रह रही है क्या यहाँ पे देखते हैं क्या एन इजेक्टेड क्या सेम है क्या एन इजेक्टेड यहां पर सेम है इसका मतलब क्या टाइम हम अपने को सेम रखना है उतने टाइम में और इलेक्ट्रॉन का चार्ज का कॉन्स्टेंट जब एन इजेक्टेड ही सेम है नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ही सेम है तो क्या आई भी सेम रहेगा क्या ये क्या है अपने पास सेम इसका मतलब क्या है मींस आई सेम फोटो करेंट क्या रह गया अपने पास सेम रह गया है ठीक है अब आते हैं ये काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया है क्या उसने क्या बढ़ा दिया है न्यू बढ़ा दिया तो ऑब्वियस सी बात है तो क्या एच न्यू भी बढ़ जाएगा क्या यहां पर देखते हैं क्या न्यू बढ़ा उसने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा न्यू बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा समझ में आया क्या क्यों क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता था एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट यहां पे एक कंडीशन अपने को देना जरूरी है क्या कि मेटल सेम रह रहा है मेटल प्लेट क्या है क्योंकि मेटल प्लेट ही अगर चल जाएगा ना तो एच न्यू नॉट की वैल्यू चल जाएगी मेटल प्लेट सेम हमने रख लिया है ठीक है तो हमने पहला चीज यहाँ पे क्या देखा कि एज द नंबर ऑफ फोटोन रिमेन सेम फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज नो चेंज इन फोटो करेंट बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज ऐसा कैसे हो गया क्या कि जैसे ही एन इजेक्टेड अपन ने सेम रखा है जब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर ही सेम है इसका मतलब क्या है कि उसका जो फ्लो हो रहा होगा रेट ऑफ फ्लो क्या उसमें एन कॉन्स्टेंट है क्या और टाइम अपने को सेम ही रखना है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी उतना ही होता है कांस्टेंट है तो इसका मतलब करंट भी क्या रहेगा सेम रहेगा ठीक है और न्यू जब चेंज हो गया तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट भी बढ़ जाएगा क्या क्यों क्योंकि एच न्यू बढ़ गया तो क्या एच न्यू की वैल्यू बढ़ गई एच न्यू की वैल्यू बढ़ गई तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी कंडीशन इसमें क्या दिया हुआ है कि एच न्यू नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम मेटल प्लेट होना चाहिए क्योंकि अगर मेटल प्लेट चेंज करेंगे तो एच न्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी अलग अलग हो जाएगी क्यों क्योंकि हर एक मेटल का अलग अलग थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है क्योंकि उसका आयनाइज एनर्जी अलग अलग होता है ठीक है तो यहां पर से हम एक चीज लिख लेते हैं
क्या यहां पर से हम एक चीज और लिख लेते हैं कि सिंस सिंस अपन ने इतना इतना ये कंडीशन देख लेते क्या कि ये सेम रहेगा, ठीक है। तो हमने यहां पर लिखा सिंस फोटो करंट ओनली डिपेंड्स ऑन फोटो करंट ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटोन बट इन दिस केस n remains constant and same, I मतलब फोटो करंट सेम ये हो गया क्या अपने पास। तो अपने को एक चीज पता चल गया है क्या कि अगर नंबर ऑफ फोटोन सेम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फोटो करंट क्या रहेगा सेम रहेगा। तो हमने यहां पर से एक चीज ये देख लिया। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर रहे हैं इस बार पिछली बार फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे हम लोग, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे थे, इस बार फ्रीक्वेंसी क्या कर देते हैं, कांस्टेंट रख दे रहे हैं। तो अपन ने यहां पे दूसरा केस क्या, इफ फ्रीक्वेंसी केप्ट कांस्टेंट। तो हमने यहां पे लिखा इफ न्यू kept same, अगर हमने new क्या रख लिया है, same रख लिया है, और यहां पर एक condition पहले provide कर देते हैं क्या, new जो है वो greater than की किससे है, new not से, मतलब electron eject हो रहा है, then as the number of photon increases, then number of ejected electron increases. number of ejected electron increases, ठीक है। इसका मतलब उसने क्या बोला है कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम रख दें लेकिन नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दें तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसका मतलब क्या है, फोटो करंट भी बढ़ जाएगा। तो हमने ये दो ऑब्जर्वेशन देखे हमने क्या, पहला ऑब्जर्वेशन क्या कि अगर आपने क्या सेम रखा है, फोटोन का नंबर सेम रखा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया है, तो फोटो करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, फोटो करंट सेम रहेगा, क्योंकि फोटो करंट सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है,
इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा क्या कि जैसे ही आप लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एच न्यू की वैल्यू बढ़ गई, एच न्यू की वैल्यू बढ़ गई तो एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रोवाइडेड मेटल प्लेट विल रिमेन सेम, मेटल प्लेट विल रिमेन सेम, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, तो यहां पर हमने उसी को लिख लिया क्या, सिंस फोटो करंट ओनली डिपेंड्स ऑन, सिंस फोटो करंट ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटोन, बट इन दिस केस एन सेम हेंस आई सेम। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने क्या पढ़ा कि इफ न्यू केप्ट सेम, अगर न्यू को हमने क्या रख लिया है, सेम रख लिया है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो नंबर ऑफ फोटोन जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो क्या नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा क्या? क्यों? क्योंकि न्यू तो न्यू नॉट से बढ़ा ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो ही रहे हैं, तो अगर पहले पांच फोटोन आते तो पांच इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे मान लीजिए, तो अभी दस फोटोन आएंगे तो क्या दस इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या? अब नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात क्या है, फोटो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फोटो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अपने को इतना चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके न्यूमेरिकल के ऊपर, अब आते हैं हम लोग इसके न्यूमेरिकल के ऊपर, तो हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे क्या एक न्यूमेरिकल। ठीक है, क्वेश्चन है क्या, व्हेन लाइट ऑफ लैम्डा, व्हेन लाइट ऑफ लैम्डा 470 nm, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिया पहले, ये एक डाटा है, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल, पोटेशियम मेटल, इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड, इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड विद अ वेलोसिटी ऑफ, विद अ वेलोसिटी ऑफ 6.4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट, कैलकुलेट। धीरे धीरे हम लोग न्यूमेरिकल का लेवल अच्छा करेंगे। पहला पार्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, सेकेंड पार्ट एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, थर्ड पार्ट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन का डाटा देखते हैं, क्या गिवन है अपने को, क्या लैम्डा गिवन है क्या इंसिडेंट लाइट का, ठीक है लैम्डा गिवन है, और क्या वेलोसिटी भी गिवन है क्या, ठीक है वेलोसिटी भी गिवन है। तो अपने को इक्वेशन कौन सा पता है क्या, कि E बराबर है SC अपॉन लैम्डा, अगर लैम्डा NM में दिया हो तो E बराबर 1240 अपॉन लैम्डा क्या, ठीक है तो वो तो आराम से निकल जाएगा। फिर काइनेटिक एनर्जी का हमने क्या पढ़ा, हाफ एम वी स्क्वायर क्या, तो हाफ एम वी स्क्वायर लगा दिया। क्या M अपने को इलेक्ट्रॉन का पता होता है, मास इलेक्ट्रॉन का, और वेलोसिटी भी अपने को पता है, तो हमने यहाँ पर से क्या कर लिया, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लिया। और एच न्यू नॉट क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो क्या एच न्यू नॉट हो जाएगा क्या। बस अपने क्या देखना है कि यूनिट सेम रहना चाहिए, क्या सेम रहना चाहिए, यूनिट सेम रहना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट अपन बनाते हैं, फर्स्ट पार्ट काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हमने लिखा हाफ, एम कितना गिवन है अपने पास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³⁻³ kg, क्या यही इलेक्ट्रॉन का मास होता है क्या, 10⁻³⁻ kg इंटू क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है क्या क्वेश्चन में, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो हमने आप लिख लिया क्या 6.4 × 10⁴ का स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड में है, ये किस में है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व करेंगे
तो ये 10 के 10 पावर 4 का सर कितना हो जाएगा, 10 पावर 8 हो जाएगा क्या? 10 पावर 8 ठीक है, और ये 6.4 इंटू 6.4 इंटू 9.1, ये 6.4 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे 3.2 टाइम्स में, तो 9.1 इंटू 3.2 इंटू, तो हमने यहाँ लिख लिया हाफ इंटू 9.1 इंटू 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 23, ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो गया, 3.2 टाइम्स में, ठीक है। तो एक बार क्या कर लेते हैं अपन, अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, इसको 6.4 को अपन 6 मानते हैं और इसे 3.2 को 3 मान लिया, तो 6 3 18 18 और 9 18 इंटू 9 कितना हो गया 162। क्या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए क्या डाटा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि ये 6.4 है और ये 3.2 है और ये 0.1 है, इसको मैंने वो कर दिया, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, लगभग 186.36 इंटू 10 पावर माइनस 23 इंटू 10 पावर माइनस 23। क्या आ गया अपने पास काइनेटिक एनर्जी, क्या अपने पास क्या आ गया है, काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो अपने पास अगर काइनेटिक एनर्जी आ गया है तो अपने को अब क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट तो अपने पास आ गया, सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, सेकंड पार्ट में उसने बोला है क्या कि आप मेरे को क्या बताओ, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, सीधा 1240 अपॉन लैम्डा, क्या अगर लैम्डा एनएम में गिवन है तो, और एंगस्टर में गिवन है तो 12400 डिवाइड बाय लैम्डा। तो सेकंड पार्ट हमने यहां पे क्या लिख लिया, एनर्जी बराबर 1240, बट यहां पे आंसर किस में आएगा अपने पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनएम डिवाइड बाय 470 एनएम, एनएम एनएम कैंसिल कर दिया क्या हमने, तो इसको जब ये अपन सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग 2.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये बेसिकली अपने पास है क्या, ये क्या गिवन अपने पास, एच न्यू, ये क्या गिवन अपने पास, एच न्यू। अच्छा अब आते हैं क्या एच न्यू नॉट पूछा है, वो वर्क फंक्शन पूछा है या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछा है, तो अपने पास एनर्जी वाला टर्म आ गया क्या, किसमें आया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले में, और काइनेटिक एनर्जी आ गया अपने पास किसमें, जूल में। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेम करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में या तो आप कन्वर्ट कर दो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर क्या कर दो आप जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सॉल्व कर लो, तो भी आंसर आ जाएगा अपने पास। तो हमने यहां पर क्या कर लिया, तो एच न्यू नॉट बराबर हमने लिख लिया, एच न्यू नॉट बराबर ये अपन ने डाटा निकाला था इतना सॉल्व करके फर्स्ट दोनों पार्ट को, तो अब हमने लिख लिया थर्ड पार्ट में, अपने को पता है क्या एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट माइनस काइनेटिक, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होता था, तो एच न्यू नॉट बराबर कितना हो जाएगा, एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी, दोनों एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम, एच न्यू कितना अपने पास 2.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस काइनेटिक एनर्जी कितना है 188.368 इंटू 10 पावर माइनस 23, ये किसमें है, जूल में, ये किसमें है, जूल में है। तो अभी अगर जूल में अपने को गिवन है तो इसको क्या कर लेंगे हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया, सॉल्व कर लेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या, इसको अपन देख लेंगे। तो बेसिकली कैसे किया हमने क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व किया है क्या, कि अपने को ये गिवन है क्या कि लाइट का लैम्डा अपने पास 470 एनएम है और वेलोसिटी कितना इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की 6.4 × 10⁴। ये सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमने लगा दिया हाफ एमवी स्क्वायर सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया अपने पास। दूसरा क्या अपने पास, एनर्जी ऑफ फोटोन,
हमने देखा लैम्डा एनएम में तो एनर्जी लॉ क्या लगा दिया अपन ने 1240 डिवाइड बाय लैम्डा। अब अपने क्या निकाला था, एच वी नॉट बराबर क्या लिखते एच वी माइनस काइनेटिक एनर्जी, सॉल्व कर लिया अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं क्या दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, इसके ऊपर आते हैं दूसरे एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। तो अपन क्या देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन व्हेन द सरफेस ऑफ मेटल इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ 200 nm, इसको अंडरलाइन कर ले, एक डाटा है ये 200 nm ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमा 200 nm इलेक्ट्रॉन एमिटेड हैव काइनेटिक एनर्जी 10.52 × 10⁴ जूल पर मोल। कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है सिंपल क्या कि वो अपने को पूछ रहा है कि आप तो एच न्यू नॉट बताओ, क्या बताओ एच न्यू नॉट। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट सीधा क्या लिख लिया, अपने को पता है आयनाइजेशन एनर्जी, ये मैंने आपको लिखाया है आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी, क्या एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एच न्यू के लिए क्या उसने डाटा देकर कर एच न्यू 1240 बाय लैम्डा लिख देते हैं क्या, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं 1240 बाय लैम्डा। लेकिन यहाँ पे एनर्जी किसमें आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी क्या। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है क्योंकि दूसरा डाटा अपने पास किसमें है, जूल में। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 1240 डिवाइड बाय 200 × अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ये किसमें आता है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लिख लिया, इलेक्ट्रॉन के चार से मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 × 10⁻¹¹। ठीक है, ये हो गया अपने पास माइनस। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डाटा भी गिवन है 10.52 काइनेटिक एनर्जी का गिवन है ना × 10⁴ क्या ये जूल पर मोल है, क्या पर मोल है, अपने को क्या चाहिए पर एटम चाहिए क्या, एक मोल में कितने एटम होते हैं, वन मोल में कितने एटम होते हैं Na, कितने एटम होते हैं Na, तो हमने इसको किससे डिवाइड कर दिया Na से डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर Na से इसको डिवाइड कर दिया। फिर इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर लेंगे, जो भी डाटा आएगा कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेना, ये आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपने पास आंसर हो जाएगा। Na की वैल्यू क्या होती है 6.023 × 10⁻²³ तो अगर आप देखोगे ना तो कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल सा दिया हुआ है क्या, चलो मैं कैलकुलेट कर ही देता हूं। तो हमने लिखा यहां पर 1240 डिवाइड बाय 200 तो 1240 डिवाइड बाय 200 जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.2। इसको हमने पुट करा, ये कितना आ गया 6.2 × 1.6 × 10⁻¹⁹-90। ठीक है, दूसरा क्या अपने पास 10.52 डिवाइड बाय Na, Na कितना था 6.023 होता है क्या, तो हमने आप लिख दिया 10.52 × 10⁴ डिवाइड बाय यहां पे हमने क्या लिख दिया 6.023 × 10⁻²³। ये 10⁻²³ ऊपर लेके गए, इसको सॉल्व कर लिया, तो यहां पर से यहां पे एक चीज देखते ये कितना है 6.2 × 1.6 × 10⁻¹⁹
10.52 / 6.023 ये कितना जगह 1.74, ये कितना जगह लगभग, और ये भी कितना जगह 10^-19, कि 10^-19 कॉमन है क्या दोनों में। अभी 6.2 कितना 1.6 अपने करना है, 6.2 × 1.6 तो ये कितना क्या अपने पास 9.92 - 1.74 और इसमें क्या कर लिया 10^-19 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर से क्या हो गया अपने पास 9.92 - 1.74 कर दिया तो जो भी अपने पास आ जाएगा क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो गया अपने पास 8.18 × 10^-19 आंसर जूल पर एटम। कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अपन ने, अपने को क्या निकालना है आयनाइज एनर्जी निकालना है, तो आयनाइज एनर्जी इतना हो गया, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा इसका माइनस हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा इसका माइनस हो जाएगा, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया तो अपने पास क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, उसने क्या बोला था कि लैम्डा दिया हुआ था अपने को एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ इतना, तो लैम्डा अपने को गिवन था, तो वहां से अपने क्या कर लिया एनर्जी निकाल लिया एनएम में 1240 / लैम्डा। अब एनएम को किसमें कन्वर्ट कर दिया, जूल पर एटम में कन्वर्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि दूसरा डाटा अपने को जूल पर मोल में गिवन था, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस अपने को काइनेटिक एनर्जी गिवन था बट वो काइनेटिक एनर्जी जूल पर मोल में गिवन था, आपने क्या कर लिया उसको एटम में कन्वर्ट करने के लिए एनएस से डिवाइड कर दिया, सॉल्व कर लिया अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, क्या कैलकुलेशन पार्ट आप देख लेना ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, फोटोन एमिटेड बाय बल्ब, फोटोन एमिटेड बाय बल्ब 100 वाट, वाट दिया इसका मतलब क्या है, ये पावर है क्या, ठीक है, इन वन सेकेंड, ठीक है, एंड इन 1 आवर, आपको 1 सेकेंड में भी कैलकुलेट करना है, 1 आवर में भी कैलकुलेट करना है, दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है, एक ही लैम्डा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ लैम्डा 620 nm, ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट फोटो करेंट, ऑल्सो कैलकुलेट फोटो करेंट, फोटो करेंट जनरेटेड बाय द बल्ब, जनरेटेड बाय द बल्ब, ये फर्स्ट पार्ट पहले हम लोग बनाते हैं, ठीक, और उसके बाद सेकेंड पार्ट, या फिर सेकेंड पार्ट का भी क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन, उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे दोनों को सॉल्व करेंगे। इफ द एमिटेड फोटोन फोटोन स्ट्राइक्स ऑन द मेटल प्लेट, ऑन एंड ओनली 25% ऑफ इंसिडेंट फोटोन इजेक्ट फोटोन, मतलब एफिशिएंसी दिया हुआ है 25% ऑफ इंसिडेंट फोटोन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देन कैलकुलेट फोटो करंट, देन
कैलकुलेट फोटो करंट, करंट फोटो आई। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन समझते हैं। उसने क्या बोला कि एक कोई बल्ब है 100 वाट का, 100 वाट का मतलब क्या, ये पावर दिया हुआ है अपने पास, क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 100 वाट। ठीक है, का बल्ब है, उससे एक सेकेंड में और एक आवर में कितना, मतलब एक सेकेंड में और एक आवर में आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड निकालना है। अगर उस जो लैम्बडा कितने का एमिट कर रहा है, 620। एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, क्या एक बल्ब 100 वाट का, तो वो एक सेकेंड में और एक आवर में कितना फोटोन एमिट करेगा, मतलब एन आपको बताना है। अगर वो लैम्बडा कितने का एमिट कर रहा है, 620 nm का, और लगे हाथ क्या बता देना है, अपने को फोटो करंट भी बता देना है। ठीक है, क्या उसने बोला कि ठीक है, और वो जो सेकंड पार्ट उसने क्या बोला कि वो जो फोटोन इमिट कर रहा है ना, सपोज करो वो फोटोन क्या कर रहा है, किसी मेटल प्लेट पे जाकर टकरा रहा है, और सिर्फ 25% जो है उस फोटोन का इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है, तब बताओ फोटो करंट क्या होगा, तब बताओ फोटो करंट क्या होगा। ठीक है, अपने को पता है फर्स्ट पार्ट बनाते हैं अपन, क्या बनाते हैं, फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं अपन। तो उसने बोला क्या, सबसे पहले 620 nm दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 620 nm दिया हुआ है। तो अपन क्या कर लेंगे, ठीक है, पहले पहला डाटा उसने 100 वॉट दिया हुआ है, 100 वॉट मतलब पावर दिया है, क्या पावर दिया हुआ है, तो उसको एक बार क्या करते हैं, जूल में कन्वर्ट करते हैं। तो पावर को जूल में कन्वर्ट करेंगे, क्या टाइम से डिवाइड करते हैं, क्या एक सेकंड में कितना हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगा क्या। तो अपन ने क्या हो गया, 100 जूल एक सेकंड के लिए निकाल रहे अपन, कितना हो गया, 100 जूल हो गया क्या, 100 जूल इज इक्वल टू एन इंटू 1240 बाय लैम्डा या फिर एन इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, एन इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एन एच सी अपॉन लैम्डा, ये अपन को पता है कि एनर्जी बराबर एन एच सी अपॉन लैम्डा होता है, तो अपन यहाँ पर से क्या लिख दिया, एन एच सी अपॉन लैम्डा लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर से n बराबर क्या हो जाएगा, 100, लैम्डा कितना है, 620 nm में है, तो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, nm में है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 1240 बाय लैम्डा, तो 620 यहां पे 620 है, यहां पे 1240 पुट कर देंगे, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 इंटू 620 डिवाइड बाय 1240, लेकिन ये किस में आएगा, ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा क्या, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, तो अगर इधर एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इधर एन से डिवाइड करना पड़ेगा क्या, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एन से डिवाइड कर दिया, 1.6 into, एन से बोल रहे इलेक्ट्रॉन के चार से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 times में हो गया, ये 50 times में हो गया, ये कितना हो गया, 50 times में हो गया। इसको जब सॉल्व कर ले, इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 50 times में हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 3.1 into 10 to the power 20 फोटोन पर सेकेंड, 3.1 into 10 to the power 20 फोटोन पर सेकेंड। ये कैसे सॉल्व किया, अपने पास पावर गिवन था क्या, 100 वाट, इसका मतलब क्या 100 जूल है क्या वो पर सेकेंड में, तो एनर्जी अपने पास कितना हो गया, 100 जूल इज इक्वल टू क्या लगा दिया हमने, एन एस सी अपॉन लैम्डा लगा दिया, यहाँ पर से एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 into λ डिवाइड बाय एस सी, क्या अगर अगर आप क्या कर दिए लैम्डा एन एम में गिवन है, तो एस सी अपॉन लैम्डा क्या हो जाएगा, 1240 बाय 620 क्या, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन वो किस में आ जाएगा, वो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसको जूल में कन्वर्ट करने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन के चार से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर आकर वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड में आ जाएगा, इतना फोटोन पर सेकेंड आ गया, इतना फोटोन पर सेकेंड आ गया। अभी अपने को 1 hour के लिए निकालना है, तो 1 hour के लिए निकाले तो क्या इसको कर देंगे, 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी फॉर 1 hour, एनर्जी कितनी हो जाएगी, 100 into 60 into 60 क्या। ठीक है, तो अभी इसको क्या कर लिया, इतना हो गया, और इसको फिर हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा, क्या ये N1 लिख दिया था कि पहला N1, ये यहाँ पे N2, इसको क्या कर दिया एच सी अपॉन लैम्डा, तो इसको सीधा कर दिया 1240 अपॉन 620, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया,
तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं जूल में कन्वर्ट करने के लिए, तो ऐसा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये अपने पास किस में आ गया, एन टू अपने को निकालना है, तो एन टू बराबर ये टू टाइम्स में हो गया क्या, और ये 50 टाइम्स में, ये कितने 50 टाइम्स में, तो एन टू बराबर 50 × 60 × 60 डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻¹⁹. इसको सॉल्व कर लिया क्या, इसको जब ही सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 1.1 1.1 1.1 2.5 × 10⁻²० फोटॉन पर सेकंड. इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया, 1 सेकंड में 100 जूल था तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, उसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिकली तो एनर्जी आ गया तो फिर क्या हो गया, अपने पास क्या आ गया, एन टू की वैल्यू आ गई, जैसे एन वन निकाला तो वैसे ही क्या निकाल लिया, एन टू निकाल लिया। अभी सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला, नेक्स्ट पार्ट में कि एमिटेड फोटोन जो था वो मेटल प्लेट पे स्ट्राइक कर रहा है और सिर्फ 25% उसका क्या कर रहा है, नहीं इसमें एक पार्ट और दिया है क्या, फोटो करंट उसने पूछा है, क्या पूछा है, फोटो करंट फर्स्ट पार्ट में, तो फोटो करंट बराबर क्या लिखते हैं अपन, चार्ज बाय टाइम क्या, चार्ज कितना हो जाएगा, एन इजेक्टेड इंटू इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टाइम क्या, तो हमने सीधा सीधा सॉल्व कर लिया फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट का फोटो करंट तो बहुत आसान है, तो हमने यहां पर से सीधा सीधा लिख दिया क्या, हमने यहां से लिखा I इज इक्वल टू फोटो करंट एन इजेक्टेड इंटू इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टाइम. अगर 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए अपने कितना निकाला, 3.1 × 10⁻²⁰ फोटोन क्या डिवाइड इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ डिवाइड बाय 1 सेकंड, इसको सॉल्व कर ले तो कितना गया, 50 एम्पीयर, कितना गया 50 एम्पीयर. ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट, एक बार फिर से मैंने आपको बताऊं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आप एक बार देखना यहाँ पर, उसने बोला है क्या कि एक बल्ब है जो 100 वाट जिसका पावर है, 1 सेकंड में और 1 आवर में कितना वो फोटोन इमिट करेगा वो बताना है, अगर उसमें वो कौन सा लाइट इमिट कर रहा है, 620 nm का वो मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब एक ही वेवलेंथ वाला लाइट इमिट कर रहा है, और फोटो करंट भी बताना है उस बल्ब का. ठीक है, तो हमने 1 सेकंड में अगर 100 वाट दिया था तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा एनर्जी, 100 जूल हो जाएगा क्या, 100 जूल लिख दिया, एनर्जी वर्क करता है NHc/λ, तो हम लिख दिया N1 HC/λ, HC/λ या लैम्डा Nm गिवन है, तो 1240/620 कर दिया, अपन ने सॉल्व कर दिया, यहाँ पर से कितना आ गया, ये 1240/620 क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, तो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, अपने पास नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे. ठीक है, क्या अभी 1 आवर में वही क्या हो जाएगा, तो 1 आवर में वही क्या हो जाएगा, 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया बस, तो अपने पास वही आंसर आ गया. अब उसने बोला कि फोटो करंट क्या होगा, तो फोटो करंट के लिए हमने क्या कर लिया, फोटो करंट का क्या कि चार्ज डिवाइड बाय टाइम, चार्ज क्या था एन इजेक्टेड डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टाइम क्या, एन इजेक्टेड 1 सेकंड में कितना था, 3.1 × 10⁻²० फोटोन इजेक्ट कर रहा था, इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाय 1 सेकंड, तो 50 एम्पीयर आ गया क्या. अब आते सेकंड पार्ट, उसने बोला क्या, इफिशियंसी 25% है, मतलब जितना फोटोन दे रहा है सिर्फ 25% ही क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का इमिट कर पा रहा है. एक बार क्वेश्चन देखना यहाँ पे क्या बोला सेकंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में बोला है इफ द इमिटेड फोटोन स्ट्राइक्स ऑन द मेटल प्लेट, वो जो फोटोन इमिट कर रहा था बल्ब वो किसी मेटल प्लेट पे जाकर टकराता है, सिर्फ 25% जो मेटल प्लेट पे टकराया है ना उसका 25% इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा पा रहा है, तो आप करंट बताओ, तो जितना फोटोन गया क्या सिर्फ उसका 25% ही आ रहा था, जनरेट हो रहा था क्या, तो बस एन इजेक्टेड क्या करना है 25% कर देना है, तो 1 सेकंड में क्या उसका 25% ही हो जाएगा क्या आंसर, तो सीधा सीधा अपने पास क्या हो गया आंसर सेकेंड पार्ट का, सेकेंड पार्ट 25% ईटा, ईटा की वैल्यू, ईटा मतलब एफिशिएंसी कितना 25%, कितना दिया हुआ है 25%, तो सीधा सीधा करंट क्या कर दिया हमने, आप चाहो तो डाटा के हिसाब से भी सॉल्व कर दो, इधर 25% है तो क्या कर लिया, तो अपन ने क्या कर लिया 25/100 कर दिया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो 12.5, 4 से क्यों डिवाइड कर, क्योंकि 25/100 होगा, 25% एफिशिएंसी है ना, तो 50 × 25/100, तो आंसर आ गया अपने पास 12.5 एम्पीयर. अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता
तो आप सीधा सीधा क्या कर लो, जितना भी फोटोन आता है उसका 25% ले लेना, एन की वैल्यू पुट करना, आई फिर से निकाल लेना। तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन, अपन देखते हैं एक और क्वेश्चन की बना है। अ लाइट सोर्स एमिटेड 3 रेडिएशन, एक कोई लाइट सोर्स है, अ लाइट सोर्स एमिटेड 3 रेडिएशन, 3 रेडिएशन एमिट कर रहा है, हैविंग लैम्डा, हैविंग लैम्डा 310 है ना, 310 nm, 620 nm, ठीक है, एंड 1000 nm, एंड 1000 nm, 3 लैम्डा है अपने पास, ठीक है। द 3 वाट पावर बल्ब, इसका क्या दिया है, द 3 वाट पावर बल्ब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 लैम्डा, अमंग द 3 लैम्डा, इफ लाइट बीम स्ट्राइक्स ऑन इट, इफ लाइट बीम स्ट्राइक्स ऑन इट, द मेटालिक सरफेस एज वर्क फंक्शन, द मेटालिक सरफेस हैव वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन मतलब क्या दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड एनर्जी दिया हुआ है या फाई दिया हुआ है, हैव वर्क फंक्शन कितना, 1.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट 1.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट। एक बार इसका क्वेश्चन समझेंगे उसके बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन सब्जेक्टेड पर सेकंड, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन सब्जेक्टेड पर सेकेंड, सेकेंड पार्ट चार्ज एमिटेड पर सेकेंड, चार्ज एमिटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना चार्ज एमिट हो रहा है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं, उसने क्या बोला कि कोई लाइट सोर्स है जिसके पास है 3 रेडिएशन एमिट हो रहा है, कितना रेडिएशन एमिट हो रहा है, 3 रेडिएशन एमिट हो रहा है, ठीक है, और इसका लैम्डा उसे दिया है 310 nm, 620 nm और 1000 nm, 310 nm, 620 nm एंड 1000 nm, ठीक है। उसने क्या बोला कि एक 3 वाट का बल्ब है जो क्या करता है, तीनों लैम्डा में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका मतलब क्या सब में एक एक वाट गया है क्या, समझने वाला चीज है क्या, 3 वाट पावर बल्ब जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तीनों लैम्डा में, तो इसका मतलब 3 वाट का था तो एक 1 1 वाट तीनों में जाएगा क्या, तो तीनों में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 1 1 वाट गया, ठीक है। अगर कोई लाइट भी स्ट्राइक करता है मेटालिक सरफेस पे, तो उस मेटालिक सरफेस का वर्क फंक्शन इतना है, तो आपको बताना है सबसे पहले कितना नंबर ऑफ फोटोन सब्जेक्टेड पर सेकंड उस मेटालिक सरफेस पे आ रहा है, दूसरा कितना चार्ज इजेक्ट हो रहा है, एक पहला पूछा है कितना फोटोन गिर रहा है, दूसरा क्या है चार्ज कितना इजेक्ट हो रहा है, उसके बारे में अपने को बताना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन सिंपल सा है, कोई लाइट सोर्स है जिससे 3 रेडिएशन निकल रहे हैं, तीनों का लैम्डा अपने को गिवन है, एक कोई बल्ब है जो तीनों लैम्डा क्या कर रहा है, तीनों लैम्डा में इक्वल पावर दे रहा है, इक्वल पावर दे रहा है, उसके थ्रू उसने क्या बोला कि वही जो है वो लाइट बीम स्ट्राइक कर रहा है किसी मेटालिक सर्फेस पे जिसका वर्क फंक्शन अपने को गिवन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी गिवन है, तो आपको बताना कितना फोटोन पर सेकंड स्ट्राइक कर रहा है और कितना इजेक्ट कर रहा है चार्ज पर सेकंड, ये अपने को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, एक बार पहले इसका हम डाटा नोट करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे पहले इसका डाटा नोट करेंगे। डाटा ऐसा गिवन था 3 वाट था, इसको समझना है, 3 वाट था, 3 पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इधर भी 1 वाट गया होगा, इधर भी 1 वाट गया होगा, इधर भी 1 वाट गया होगा क्या, तीनों में,
1 वाट क्या होगा, तो 1 सेकंड में ये इसकी एनर्जी कितना आ जाएगी, फर्स्ट वाले की 1 जूल, सेकंड वाले के भी 1, ये फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट वाले के लिए है, सेकंड वाले रेडिएशन के लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए भी 1 जूल हो जाएगा, और थर्ड वाले रेडिएशन के लिए भी कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा, क्योंकि तीनों का एनर्जी सेम होगी, क्योंकि पावर सेम मिला, 1 सेकंड में एनर्जी भी क्या हो जाएगी सेम। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले पार्ट के लिए। 1 एनर्जी बराबर, एनर्जी बराबर एन वन एच सी अपॉन लैम्डा, क्या एन वन एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो एन वन कितना था, ये 1 जूल अपने को एन वन ही तो निकालना, 1 जूल एन वन एच सी कितना है, 1240 अपॉन लैम्डा, सीधा पुट कर देते हैं, लैम्डा कितना है अपने पास 310 है ना, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से अपन ने क्या निकाल लिया, एन वन ये 4 टाइम्स में हो गया क्या, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.025 डिवाइड बाय या फिर 1/4 इंटू 1.6 इंटू 10^-19। इसको सॉल्व कर लिया तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, 0.156 इंटू 10^19 जूल। ये पहले वाले का आ गया क्या, नंबर ऑफ फोटोन, सॉरी इतना फोटोन पर सेकंड, जूल नहीं, इतना फोटोन पर सेकंड, ये पहले वाले पार्ट का आंसर है। ये पहले वाले पार्ट का नहीं, ये एन वन है, अपने को टोटल निकालना है, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, यहाँ पर से क्या हो रहा है एन वन, यहाँ पर से एन टू, यहाँ पर से एन थ्री, तीनों निकालना है। तो यहाँ से एन वन आ गया, अब उसी तरह हम लोग क्या निकालते हैं, एन टू निकालते हैं। तो 1 जूल इज इक्वल टू एन टू 1240 डिवाइड बाई, इस पर 620 दिया था क्या, इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया 2 हो गया है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एन टू बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1.6 इंटू 10^-19। इसको सॉल्व कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, 0.312 इंटू 10^19, इतना फोटोन पर सेकेंड। क्या सेकेंड वाले लैम्डा से इतना आ गया क्या, अब थर्ड वाले लैम्डा को निकालते हैं, थर्ड वाले लैम्डा से एन थ्री निकालते हैं। तो थर्ड वाले लैम्डा से 1 जूल इज इक्वल टू एन थ्री 1240, इसका लैम्डा कितना क्यों था, 1000 क्या, तो 1000 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दिया ऐसा, ये कितना होगा 1.24। तो यहां से अपने लिख दिया एन थ्री बराबर 1 डिवाइड बाय 1.24 इंटू 1.6 इंटू 10^-19। इसको सॉल्व कर लिया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.504 इंटू 10^-19, सॉरी माइनस नहीं प्लस, जो नंबर है मतलब पॉजिटिव में यहाँ पड़ेगा फोटोन का, तो फोटोन पर सेकेंड, फोटोन पर सेकेंड। तो ये अपने पास एन वन एन टू एन थ्री आ गया। एक काम करते हैं, क्या अपने को एच न्यू नॉट गिवन, तो टोटल फोटोन कितना हो गया एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, क्या टोटल फोटोन सब्जेक्टेड कितना हो गया एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। तो हमने लिख लिया सब्जेक्टेड फोटोन, सब्जेक्टेड फोटोन कितना हो गया एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, 10^-19 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, एन वन था 0.156 प्लस 0.312 प्लस 0.504 इंटू 10^-19 कॉमन ले लिया है 10^19 को, इसको जब सॉल्व कर लेते क्या 0.972 इंटू 10^19 हो गया अपने पास। ये फर्स्ट पार्ट का नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटोन आ गए। अब सेकंड पार्ट पे आता है क्या कि नंबर ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट आ गया नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटोन कैसे निकाल लिया, 3 वाट था, तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो 1 1 वाट सब में चला गया, 1 1 वाट, तो 1 सेकंड में कितना 1 1 जूल हो जाएगा क्या वो, तो एनर्जी अपने पास जूल में आ गई। तो एनर्जी बराबर क्या लगा दिया हमने, हमें एनएससी अपॉन लैम्डा, एनएससी अपॉन लैम्डा तीनों पार्ट के लगा दिया, तीनों का लैम्डा अपने को पता था, बस 1240 अपॉन लैम्डा लगाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लिया, एन वन एन टू एन थ्री निकाल लिया, तो यहाँ से टोटल एन निकल गया अपने पास सब्जेक्टेड फोटोन कितना 0.972 इंटू 10^19, ठीक है। अब आते हैं अपन क्या कि अपने को क्या एच नॉट गिवन था, क्या फाइव याद करो, अपने को क्वेश्चन में गिवन है फाइव, अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन था, फाइव गिवन था, फाइव अपने क्वेश्चन में फाइव गिवन था,
कितना 1.75 इलेक्ट्रॉन, कितना गिवन था 1.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हम देख लेते एक बार कि किससे किससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, क्या जिसके जिसके भी एनर्जी की वैल्यू 1.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी क्या वही सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, क्या सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाएगा जिसके भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी की वैल्यू क्या वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, कम से कम जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट उतना तो फुलफिल होना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक बार देखा हमने सबका एनर्जी निकाला, एनर्जी ऑफ फर्स्ट रेडिएशन 12 वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था अपने 1245 310, तो कितना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, क्या ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनएम और ये किसमें था एनएम कैंसिल, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 निकाल लिया हमने 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनएम डिवाइड बाय 620 गिवन था क्या, इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, कितना आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, E3 इसी तरह निकाल लिया, E3 बराबर कितना हो गया 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनएम डिवाइड बाय 1000 एनएम, तीनों रेडिएशन अपने को पता है कितना आ गया 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीनों रेडिएशन पता चल गया। और फाई कितना था, मिनिमम कितना चाहिए था 1.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या, तो अपने पास फाई पता चल गया, E1 है कितना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 कितना है 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन कौन इजेक्ट कर पाएगा, क्या ये इजेक्ट कर देगा क्या क्योंकि 1.75 से बड़ा है, क्या ये भी इजेक्ट कर देगा, क्या ये भी इजेक्ट कर दिया, तो टोटल इजेक्टेड कितना हो गया एन इजेक्टेड N1 प्लस N2 सिर्फ क्या N3 नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी वैल्यू 5 से कम है, E3 लेस देन 1.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसीलिए नहीं शो करेगा ये फोटो इलेक्ट्रिक पर। तो N1 प्लस N2 सॉल्व कर लिया, N1 हमने कितना निकाला था, N1 अगर अपने को याद हो तो अपन ने निकाला था कितना 0.156 × 10⁻¹⁹ और N2 कितना निकाला था 0.312 × 10⁻¹⁹ तो इसी में हमने लिख लिया N1 = 0.156 × 10⁻¹⁹ कॉमन ले लेते हैं प्लस 0.312 ये प्लस × 10⁻¹⁹ क्या ये इतना हो गया क्या N ejected। ठीक है, और चार्ज फिर कितना हो जाएगा सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट में हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो चार्ज कितना हो जाएगा N ejected × इलेक्ट्रॉन क्या, तो N ejected कितना था 0.468, ये इसको सॉल्व कर ले तो 0.468 × 10⁻¹⁹ था क्या 0.468 × 10⁻¹⁹। अभी इसको क्या कर लिया N ejected बराबर कितना हो गया अपने पास इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपन ने यहाँ पर लिख लिया N ejected 0.468 × 10⁻¹⁹ × 1.16 × 10⁻¹⁹-19। तो ये इतना क्या 10⁻¹⁹ इंटू 10⁻¹⁹ और 10⁻+¹⁹ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या, ये दोनों कैंसिल आउट कर लिया, इसको जब भी सॉल्व कर लिया तो कितना हो गया चार्ज 0.74 इसको सॉल्व कर लिया तो ये अपने पास आंसर आ गया चार्ज, इतना चार्ज क्या हो गया इजेक्ट हुआ। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा देखते हैं क्या, क्या एक लाइट सोर्स अपने पास गिवन था, एक लाइट सोर्स अपने पास गिवन है और उसने बोला है क्या उसे तीन रेडिएशन निकल रहे हैं, 310 nm वाले, 620 nm वाले, 1000 nm वाले, वो क्या होता है एक बल्ब जो है ना तीनों रेडिएशन अपने पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, उस बल्ब का पावर था कितना 3 वाट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा तो 1-1 वाट में चला, तीनों रेडिएशन को चला गया क्या। ठीक है, और वो जो फोटोन एमिट हो रहा है वो क्या करता है किसी मेटालिक प्लेट से टकराता है और उस मेटालिक प्लेट का वर्क फंक्शन इतना दिया हुआ है, तो अपने को बताया कि पहले तो कितना नंबर ऑफ फोटोन गिरा है मेटालिक प्लेट पे और दूसरा कि कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है एक सेकंड में, ऐसा। तो हमने उसको सॉल्व करने के लिए ऐसे सॉल्व किया, सबसे पहले 3 वाट था तो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो 1-1 वाट तीनों में गया क्या, अब पर सेकंड में 1-1 वाट है तो पर सेकंड में कितना हो जाएगा एनर्जी 1 जूल हो जाएगा क्या, अभी 1 जूल है
तो फिर क्या कर जाए, एनर्जी बराबर एन एस सी अपॉन लैम्डा लगा दिया तीनों में हमने, एन वन एस सी अपॉन लैम्डा, एन टू एस सी अपॉन लैम्डा, एन थ्री एस सी अपॉन लैम्डा, एन वन तीनों की एनर्जी वन जूल ही होगी क्या, एन वन निकाल लिया, एन टू निकाल लिया, एन थ्री निकाल लिया, एस सी अपॉन लैम्डा करके क्या उसने लैम्डा एक तीनों का गिवन है 310, 620 और 1000, एन एम में गिवन है 1240 बाय लैम्डा ले लेंगे, बस वहां पे क्या कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया तो उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, एन वन एन टू एन थ्री आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टेड फोटॉन क्या हो जाएंगे, इन तीनों का समेशन क्या, तो हमने तीनों क्या कर दिया लास्ट में ऐड कर दिया, तो सेकंड पार्ट आ गया, और फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट के लिए उसने क्या बोला, अपने को चार्ज कितना एमिट हुआ ये, तो इतने नंबर ऑफ फोटोन गिर रहे थे तीनों के बराबर, लेकिन क्या तीनों फोटोन तीनों सारे जो रेडिएशन वाले थे क्या सबने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा दिया था क्या, तो वो हमने पहले क्रॉस चेक किया, E1 निकाला 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 निकाला 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 निकाला 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1240 अपॉन लैम्डा से, और फाइव कितना था 1.75 इलेक्ट्रॉन, मतलब मिनिमम 1.75 चाहिए था, तो क्या E1 1.75 से बड़ा है तो उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर दिया, E2 भी बड़ा है तो उसने भी शो कर दिया, और E3 क्या था छोटा था उसने शो नहीं करा, मतलब E3 वाला N किसी काम का नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराएगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किसने कराया, सिर्फ N1 और N2 ने, हमने N1 और N2 कर लिया, ऐड कर लिया, अपने पास आंसर आ गया, चार्ज कितना हो जाएगा एन इजेक्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर सॉल्व कर लिया, एन इजेक्टेड पुट कर दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास चार्ज आ गया, तो ये था अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें और भी कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे ग्राफ राफ रहता है, जैसे इक्वेशन आपने देख लिया ना, एचनी बराबर एचनी नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ग्राफ देता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू का, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनता है, सॉल्व कर ले, वो इजी है एकदम। ये ऐसा मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ऐसा भी दे सकता है वो, या फिर ऐसा हो सकता है क्या, मतलब जो है ना इसको एक्स एक्स कोऑर्डिनेट पे कर दें, या फिर ऐसा भी सकते हैं क्या सी प्लस एम एक्स, तो ये इसमें ये हो जाएगा और इसमें ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है क्या, तो उसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा उसके हिसाब से अपन देख लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास इतना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बार आपको रिकॉल करा दी क्या क्या हमने देखा, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या था, मेटालिक सरफेस से इंसिडेंट फोटोन आकर के टकराया तो क्या होगा, अगर उसके पास कुछ सफिशियंट अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन, उसी तो वो जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी थी वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में और इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में, तो एचनी बराबर एचनी नॉट प्लस हाफ एमवी स्क्वायर अपन ने लगा दिया, फिर हमने फोटो करंट पढ़ा, फोटो करंट का तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज कितना हो गया जितना इलेक्ट्रॉन निकला इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो ये हो गया अपने पास करंट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, जब इलेक्ट्रॉन अपने मैक्सिमम वेलोसिटी से जा रहा था तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हाफ एमवी स्क्वायर, तब जो उसको रोकने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, तब जो रोकने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होगा या पोटेंशियल का जरूरत होगा वो क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो यहाँ पर से E इंटू वी एस बराबर हमने हाफ एम वी स्क्वायर, ये सब लास्ट लेक्चर में आपने देख लिया था, फिर आज हमने न्यूमेरिकल किया उसके ऊपर बेस्ड। तो अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया तो आप इसके क्वेश्चन जाकर किसी भी बुक से करें, सॉल्व करें, हाँ, और कोई डाउट आता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और किसी टॉपिक में डाउट हो तो हमें बताएं, हम उस पर कोई ना कोई वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू।